31 जनवरी को विश्वासघात दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिलाध्यक्ष गगन सिंह पटेल के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष को राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि 2019 से 20 का फसल बीमा तुरंत दिया जाए, राहत राशि की तीसरी किश्त एवं पिछली राहत राशि की तीन किश्त का भुगतान किया जाए, प्याज लहसुन सोयाबीन मक्का का भावांतर राशि एवं गेहूँ का बोनस 2018 से 2019 का दिया जाए, जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान का तुरंत सर्वे कर राहत राशि दी जाए, किसानों पर जो ब्याज लगा है उसे आपके द्वारा कई सभाओं में कहा गया था उन किसानों के ब्याज की गठरी उतारी जाए, गेहूं उपार्जन के संबंध में कई भ्रांति सुनने में आ रही है कि गेहूं चलना लगा कर खरीदा जाएगा, उसे पुराने तरीके से खरीदा जावे एवं बड़े कांटे से तोला गया जाए और इसमें वर्तमान में पाला पड़ने से जो फसल खराब हुई है उसका सर्वे कर तुरंत राहत राशि दी जाए, किसान आंदोलन में जो प्रकरण किसानों पर बने हैं उन्हें तुरंत वापस लिया जाए, किसान अनुदान सोलर ऊर्जा एवं ट्रांसफार्मर योजना तुरंत चालू की जाए। आप से मिले क्या है? 9 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक सेफ समिति बनाएंगे जिसमें एनर्जी गारंटी कानून को लेकर उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है, उसको लेकर हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है कलेक्टर के द्वारा और एक ज्ञापन हमने दिया माननीय मुख्यमंत्री के नाम से जो किसानों की विभिन्न समस्याएं हैं उनको लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और एक मामला अभी एक ग्राम पंचायत घटिया गया चुका है बागली ब्लॉक का, माननीय एडीएम साहब से हम मिले थे अभी, जो ग्राम पंचायत घटिया गया चुका है सरपंच सचिव देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पमार की ये रिपोर्ट।